ये चल रही है अपनी सुबह की चाय की तैयारी। मिल्क भी रेडी है और कप भी रेडी है। कप नहीं है भाई, मग है। मग ये देखो इसका साइज, पता नहीं लगता है ना वीडियो में। और ये आ गया उबाला हमारी चाय में। और यहाँ चल रही है अपनी कल वाली वीडियो, होप करता हूँ देख ली होगी, नहीं तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लो। एक एक व्यूज मेरे लिए बहुत मायने रखता है आपका। गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत। आज 9:28, ऑलमोस्ट 9:30 इन द मॉर्निंग। कर लेते हैं भैया ब्रेकफास्ट और जो सुबह के काम होते हैं वो भी शुरू कर लेते हैं। उसके बाद आज है बैसाखी, जो किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। इतनी मेहनत, जो जनवरी की हाड़ कपाती ठंडक के अंदर भी पानी लगाने के लिए रात को जाया करते थे, उसके बाद फसलें जब सूखने लगी तो जानवरों से बचाते रहे। पूरे देश भर का उत्सव है, इसका नाम अलग अलग, बैसाखी, बिहू, अलग अलग, मेरे को तो वो नाम भी याद नहीं है। बट किसानों के लिए एक सेलिब्रेशन का मौका है कि उनकी फसल कट के मंडियों में जाने लगी है, उनके घर पे पैसा आएगा और उनके रुके हुए सारे काम, बच्चों की शादियां, बच्चों की एजुकेशन, बुजुर्गों के लिए और सारी चीजें, नए नए कपड़े पहनेंगे। यार बहुत मुबारक किसान भाइयों, आपको बैसाखी बहुत मुबारक। आज पता नहीं, बड़ा सरप्राइज वाली बात है, दिल्ली में वैसे लाइट जाती नहीं है पर अब तकरीबन 1 से 1.25 घंटा हो गया है और मैं बिना लाइट का ही तैयार हुआ हूं। जितनी सी रोशनी थी मेरे को, जितना को मिरर में दिखा, इस टाइम भी अंधेरे में खड़ा हूं। मेरे कैमरे की AI क्वालिटी मेरे को थोड़ा सा लाइट में दिखा देती है। राइट, टाइम हो गया है 11:44, ऑलमोस्ट क्वार्टर टू द नून। और अभी चल रहे हैं गुरुद्वारा सिंह सभा संत नगर एक्सटेंशन, वहां पे बैसाखी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। फिलहाल चलते हैं सीधा गुरुद्वारा सिंह सभा संत नगर एक्सटेंशन, उससे पहले रास्ते में एक दो मीटिंग है, एक दो लोगों से मिलना है। वहां से मिलते हुए फिर हम पहुंचेंगे, वहां पे थोड़ा टाइम लगने वाला है। रास्ते में जो जो होगा, दिखाने लायक होगा दिखाता हूँ, मिलवाने लायक होगा मिलवाता हूँ। वट एवर हैपन्स, अगले अपडेट के साथ मिलता हूँ। जी हो गया, देखो जी घर से निकले थे, पेट्रोल इसको जरूरत थी। जॉर्ज कह रहा है भाई भूख लगी है बहुत तेज, तो भाई साहब के पास आ गए पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं। प्रभु मिलो पर आप बसाख सुहावा कान लगे, जा संत हेटे हर सोए, ये देखो जी बैसाखी के प्रोग्राम में गुरुद्वारे में प्रोग्राम था तो यहाँ पे सब प्रसादा छक रहे हैं। अभी हमारी बारी भी आएगी, हम भी प्रसादा छक लेंगे यहाँ पे। ये देखो गुरुद्वारा से प्रसादा छक के निकल आए थे और ड्रिजलिंग हल्की हल्की शुरू हो गई थी। ऊपर आसमान में बादल खूब घने छाए हुए हैं इस टाइम पे भी और ड्रिजलिंग होके अभी हट गई है। फिलहाल तो जो ड्रॉप्स हैं नहीं आ रही हैं, इससे पहले थोड़ी सी ड्रिजलिंग आ रही थी, लग रहा था कि बारिश आएगी, गड़गड़ाहट भी खूब हो रही थी पर अभी बिल्कुल ड्राई हो गया स्पेल। तो जा रहे हैं एक काम से, देखते हैं। हालांकि धूप बिल्कुल भी नहीं है और एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुको। ये देख रहे हो फ्लैग की रफ्तार क्या मस्त इस टाइम पर लहरा रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है और धूल भरी आंधी भी चल रही है। और इस समय मैं बिल्कुल धूल भरी आंधी के बीच में से निकल रहा हूँ और इसीलिए मैंने ये डार्क चश्मा लगा लिया, क्योंकि आज वो दूसरा वाला लाइट चश्मा था नहीं। और मिट्टी इतनी है उड़ रही है, धूल इतनी उड़ रही है कि आंखों में पड़ रही थी, इसलिए ये भी लगाना पड़ गया। बादल पूरे जबरदस्त छाए हुए हैं, आंधी धूल भरी मस्त चल रही है और हम भी जूझ रहे हैं, क्योंकि भैया कॉल आ गया सिद्धार्थ का, बोल रहा जी मैं अकेला खड़ा हूँ आप जल्दी जाओ। ये देखो जी जैसे बच्चा जिद करता है ना, तो इसने भी जिद करके बुला लिया पर काम बहुत बढ़िया कर रहा है। ये हमारे पीछे पूरा ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये इसकी ये एकदम से JCB लगाकर और बिल्कुल सुधाई कर रहा है, सफाई नहीं, पेड़ नहीं काटे जाएंगे एक भी। पर नीचे बहुत कचरा लोगों ने यहाँ पे ना
ऊपर वाला सुन रहा है, वो कह रहा है कि पहले मैं बोलूंगा। ड्रिजलिंग चालू है बिल्कुल, बादलों में फुल गड़गड़ाहट और पूरे बादल छाए हुए ऊपर जबरदस्त। ये देखो तो इसके अंदर हम इसका साथ देने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कल को हम भी यहाँ पे आया करेंगे, कुछ मिल्क मिल जाया करेगा गौशाला से, कुछ यहाँ पे देख रेख हो जाया करेगी। बाकी लोग जो, चलो उनके बारे में क्या बात करनी है, वो खुले घूम देते हैं, पर इसके जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वो संभालने का काम करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। मस्त वाली ड्रिजलिंग हो रही है यार इस टाइम पे, लाइक लाइट रेन्स कह सकते हैं या हैवी ड्रिजलिंग कह सकते हैं। और अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। सो टाइम भी हो गया है 5:01, 1:05 इन द इवनिंग। घर पहुंच के मिलते हैं। जब सुबह घर से गए थे तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, और अब जब आए हैं टाइम हो गया है 5:15 शाम के, और अभी भी बिजली नहीं है। आपसे जो बात कर पा रहा हूं ना, ये देखो देख रहे हो हालात आज मेरे। और मजे की बात यह है कि जो मेरा हैंडफोन है ना, ये इसकी भी बैटरी खत्म हो गई थी, तो ये पावर बैंक लगा हुआ है, बिल्कुल 4% बैटरी रह गई है, क्योंकि सुबह भी चार्ज नहीं कर पाया, अब तो बिजली है ही नहीं है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कितनी देर में लाइट आती है, तब तक हमारा सहारा ये कैंडल ही होने वाली है। सो आज कैंडल लाइट में आपसे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा चेहरा आपको कैसा दिख रहा होगा, पर यार अंधेरा बहुत हुआ पड़ा है, और ये पहली बार है बहुत सालों में जब इतनी देर तक मैंने लाइट जाते देखी है दिल्ली में। पता नहीं क्या रीजन है, देखते हैं क्या होता है। लाइट के इंतजार में लेटे लेटे ना झपकी आ गई थी, नींद आ गई। पता नहीं मैं कितनी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा सोया, सो गया होऊंगा पता नहीं मेरे को। फिर अचानक से जैसे ही नहीं आंख खुली ना, देखा कि लाइट जली हुई है। पंखा मैंने चलाया नहीं था क्योंकि उस टाइम पे लाइट थी नहीं, तो अब लाइट तो आ गई है, नींद भी खुल गई है। और टाइम अभी हो गया है 6:45, 6:47 ऑलरेडी, 6:45, और अब उठने का दिल नहीं कर रहा अभी यार। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर ना मैं और सो ही जाऊं। हालांकि बाहर ना पहले बहुत तेज बारिश आ गई थी और मौसम में हल्की हल्की ठंडक हो गई, और मेरे को दरवाजे दोनों बंद करने पड़ गए क्योंकि छींटे अंदर आ रही थी इस तरफ से, और गरज के साथ बारिश थी, बहुत जबरदस्त थी। अब बारिश रुकी हुई है, लाइट आ गई है, पंखा चलाते हैं और थोड़ी देर और सो जाते हैं, फिर उठ के देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हो गया जी, जो थोड़ा बहुत रेस्ट होना था, टाइम भी हो गया है 7:52, ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट टू 8 एट द नाइट ऑलमोस्ट। तो फटाफट से चलते हैं बाहर, थोड़ी सी छोटी सी गेड़ी मार के आते हैं और कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। तो डिनर का भी प्रोग्राम करेंगे, ज्यादा लंबा कहीं ज्यादा दूर जाने की अभी हिम्मत भी नहीं हो रही है, और करने भी क्या जाना है, राइट। सो फटाफट चलते हैं बाहर, कुछ थोड़ा बहुत खाने को लेके आते हैं, थोड़ी सी गेड़ी मार के आते हैं, बाहर का माहौल देखते हैं, बारिश हुई है, कैसा मौसम है, और फिर वापस आते हैं। बाहर का मौसम बड़ा खुशनुमा सा तो हो गया है, और टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन लग रहा है बारिश की वजह से। काफी घनघोर बारिश थी यार जब मैं घर पे ही था तब, और उसमें जो है काफी थंडर शावर्स, थंडर स्टॉर्म टाइप था एक, और बहुत बेहतरीन बारिश हुई है। वरना एक चीज जो मन को हर साल इस टाइम पे आके ना थोड़ा सा तंग कर देती है यार, देखो आज सुबह ही मैंने ये कहा कि हमारे सभी किसान भाइयों को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारक, कि भैया फसलें जाती हैं मंडी में, पैसा आता है, पर अगर ये बारिश हो गई तो अब क्या होगा फसलों का। मतलब कुदरत है, कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती, बट फिर भी यार बड़ा ऐसे टाइम पे आके ना, जहाँ एक, एक एक ही दिन के अंदर जहाँ मैं सुबह मुबारकबाद कर रहा था, अब मेरे को उनके लिए थोड़ा सा कंसर्न फील हो रहा हूँ कि सूखी हुई फसलें जो कटाई करके रखी हैं उनको बारिश की मार पड़ जाएगी ना, काम थोड़ा सा खराब हो सकता है। चलो दुआ करते हैं कि जो पकी हुई फसलें हैं वो खराब ना हो, जो सूख चुकी हैं उनको पानी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से कीड़ा वीड़ा कुछ ना लगे यार,
की फसलें ठीक ठाक रहे यार। आई एम अ बिट कंसर्न पर्सन यू नो, सुबह भी मैं जब ये बोल रहा था तो आई गॉट अ बिट इमोशनल, सुबह भी मेरे को लगा ऐसा। चलो जो है सो है जी, कुदरत है, इसके साथ कौन लड़ सकता है। फिर भी आई एम अ बिट कंसर्न। चलो निकले हैं गेड़ी पे, तो फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। खत्म होती है जी अपनी ये जो बहुत छोटी सी गेड़ी थी, बहुत छोटी मतलब मैं बाहर मेन रोड पे भी नहीं गया, ऐसे ही थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया। अब चलते हैं वापस, और चलते चलते रास्ते में से कुछ खाने को लेते हैं, देखते हैं क्या लेते हैं, आपको भी बताते हैं। ये देखो इसको कहाँ आके पकड़ा है। देखो आज उदास लग रहा है ये लड़का, क्या हो गया तेरे को? हेलो तो कर दे, बनाओ खाना फटाफट। खाना लेके रास्ते में से और कुछ सामान था वो भी लेके घर हम पहुंच चुके हैं। हालत बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, पता नहीं क्यों यार इतनी ज्यादा थकान हो रही है। हालांकि मौसम खुशगवार है बाहर, बट मेंटल स्ट्रेस होने के कारण या कैसे भी ना बहुत ज्यादा थकान हो रही है। खाना वाना भी खा लेंगे, वीडियो भी एडिट करनी है, सुबह जल्दी उठना भी है, गुरुद्वारे भी जाना है, सब कुछ है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यहां तक देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर आप अपने विचार दे सकते हैं। ईमेल भी आप यूज कर सकते हैं कभी भी, मैं आपके मैसेजेस का इंतजार करता हूं, और अगर कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।